लेबर मजदूर मजदूरी करने आते हैं, उसको मजदूरी मिलती है ना, कोई सुविधा उपलब्ध है न कोई सिस्टम है। मजदूर लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? हम तो जो सोच रहे हैं कि जय श्री राम, मोदी जी, जय मोदी जी। दुकानदार से नोटबंदी, गोशबंदी, फलाना बंदी, हर चीज बंदी, काम नहीं मिल रहा, कहीं काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिलता है, कहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी सर है। जब 40% निर्दोष आदमी है, 60% दोषी है, क्या चीज है ये है? हर चीज हिंदू मुस्लिम है, लड़ाई है, दिहाड़ी बढ़ाई है, महंगाई है, महंगाई है, गरीबी है, गरीबी है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। शौचालय मिला? शौचालय भी नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला। रास्ते देखिए, ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं सर, वहाँ जाइए तो फार्म भराते, कहते 20,000 एडवांस दीजिए तो आपका पैसा पास होगा, कॉलोनी पास होगा। भ्रष्टाचार है जी सर, 20,000 मांगते हैं। रायबरेली में राजनीति सरगर्मी बहुत तेज है, बता दें यहाँ से राहुल गांधी ने जब से पर्चा भरा है तब से लोगों में एक उत्साह है और काफी लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार काफी सालों से लगातार गांधी परिवार का यहाँ पर वर्चस्व है। कांग्रेस का गढ़ रायबरेली में देख सकते हैं, तमाम लोग मजदूर लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, खासकर जो महंगाई है, गरीबी है और उसके साथ साथ राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं, इस बार रायबरेली में क्या कुछ बदलाव होगा या फिर वही कांग्रेस का गढ़ किला राहुल गांधी अपना बचा पाएंगे। सर क्या? सुरेश कुमार। सुरेश जी, क्या माहौल लग रहा है रायबरेली के? जो मजदूर क्लास के लोग हैं वो इस बार किसके साथ हैं? सोनिया गांधी के साथ हैं। सोनिया गांधी के साथ हैं, ऐसा क्यों? लगातार आप लोग सोनिया गांधी के साथ हैं, पांच बार थोड़ा पास आ जाइए, धूप आए उधर, पांच बार जिताया, इस बार राहुल गांधी हैं, गांधी परिवार ही क्यों है? गांधी परिवार ही क्यों? अरे उनके राजधानी है, काम सही कर रहे थी, इसलिए साथ आए, काम सही कर रहे थे। तेज बोलिए। अरे काम उनके सही है इसलिए उनके साथ है, जब काम सही है इसलिए साथ में है उनके। रायबरेली में फिर वही आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, वही रायबरेली आ रहे हैं। लेकिन इनका कहना है, क्या नाम जी? रमेश कुमार पटेल। मिस्त्री हैं आप? जी हाँ। क्या एक दिन का क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ 600 रुपया मिलता है एक दिन का। 600? जी हाँ जी हाँ। जो 600 रुपया मिलता है तो क्या लगता है कि 300 दिन मिलता है कि कभी कभी? कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। तो महीने में कितने दिन लगते हैं? महीने में 15 दिन लग जाए या 20 दिन लग जाए। तो 15-20 दिन में रोजी रोजगार चल जाता है? नहीं चल पाता। घर का परिवार भरण पोषण चल जाता है? नहीं चलता, किसी प्रकार चलता है। किसी प्रकार जी हाँ। तो आपकी सरकार है, सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार से तो मांगे बहुत है, जैसे मान लीजिए कि लेबर का, मिस्त्री का जो है सरकारी वेतन का जितना भत्ता होता है उसी आधार पे जो है दिहाड़ी बढ़ाई जाए। अच्छा, बढ़ाई जाए, दिहाड़ी बढ़ाई जाए। महंगाई है? जी हाँ महंगाई है। गरीबी है? गरीबी है ही है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। शौचालय मिला? शौचालय भी नहीं मिला है। शौचालय नहीं मिला। राशन मिलता है? राशन मिलता है। उज्ज्वला योजना मिलता है? नहीं नहीं नहीं, सिलेंडर नहीं, नहीं, नहीं मिला। इनको देखिए, ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं सर, वहाँ जाइए तो फार्म भराते, कहते 20,000 एडवांस दीजिए तो आपका पैसा पास होगा, कॉलोनी पास होगा। भ्रष्टाचार है जी सर, 20,000 मांगते हैं। भ्रष्टाचार है जी, प्रदेश में भ्रष्टाचार। थोड़ा सा जी, क्या नाम जी? राम प्रकाश। राम प्रकाश, महंगाई है? मजदूर लोग रायबरेली में क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? कौन आएगा, मोदी जी या कुछ और? अब चाहे जो आवे, काम तो यही कर रखा है। क्या कह रहे चाचा, मोदी जी या कोई और? मोदी अभी करी है, मोदी आई है, मोदी आई है। और लोग कह रहे हैं मोदी तो महंगाई कर दिए हैं। नहीं मोदी आएगा, मोदी आई है, बाबा आई है, बाबा आई है, बाबा आई है, बस ज्यादा कुछ नहीं कहा चाहिए, बाबा आएंगे बस। पर महंगाई कह रहे हैं लोग है, गरीब भूखा मर रहा है, मर रहा है, नहीं भूखो मर रहा, सबका माल मिल रहा है, सब आपका सबका राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है। पर कैसे कह रहे हैं कि लोग, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ गया है, झूठ बोल रहा है, विपक्ष झूठ बोल रहा है। खुश हैं हम? खुश हैं। मजदूरी मिल जाती है 300 दिन? हाँ मिलती है, बराबर काम करने आते हैं, बराबर मिलती है। देखिए बता रहे, काम करने आते हैं, बराबर मिलता है, बराबर मिलता है। अरे तुम क्या कह रहे हैं, कहाँ काम मिलता है, बैठे तो है हम लोग, हम तब 10-5 कम ज्यादा में चले जाते हैं, हम 10-5 कम ज्यादा में चले जाते हैं, तुम खड़े हो, बैठे तो है, कहाँ काम मिल रहा, बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा, बैठे तो हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिलता है, कहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी सर है, कोई 300 दिन में कितने दिन मिलता है काम? 300 दिन में
तीसरे दिन में बहुत बड़ा आई 10 दिन मिल जाता है, 10 दिन है उसके बाद बैठे तो रहते हैं, बेरोजगारी है साले, परेशानी है, परेशानी है, है? तो घर का परिवार चल जाता है, कहाँ चल पावा था, नहीं चल पाता, चार को काम नहीं मिलता है, नहीं चल पाता भाई, 5 किलो राशन फ्री। देखिए भाई मोदी जी से बहुत प्रताड़ित है ये, बहुत ज्यादा, आप बताइए, आप खुलकर बता दीजिए सब बात, एक ही बार बता दीजिए जो भी कहना चाहते हैं। देखिए हमारा कहना, मजदूर भाई जितने भी हैं हमारे, हम इन लोगों को लिए चाहते हैं, हम यहाँ के विधायिका जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ कोई उद्योग फैक्ट्री या कोई का रोजगार दिया जाए, जिससे लेबर भाई हमारे इधर उधर नहीं भटके। जो लोग एक दिन काम पाते हैं, 4 दिन भूखे रहते हैं, हर समय हर काम को नहीं मिलता, और इस तरह की धूप गर्मी में लोग जान देते हैं। इन्होंने अपनी बात कह दी है, थोड़ा सा जरा जी, क्या माहौल है चाचा यहाँ का? माहौल कांग्रेस आएगा, कांग्रेस आएगा, बिल्कुल डंके के जोर से कांग्रेस आएगा, कांग्रेस ही आएगा, बस बस। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, कुछ नहीं पार, 400 ना 300 पार, कुछ नहीं पार, समझो। रैली में सिर्फ सब भुखमरी है, हर चीज है, रोजी रोटी नहीं है, बताइए क्या करा जाए। देख लिया कितने लेबर लगे हैं, सब लगे हैं, हर आदमी लगे, मैं दुकानदार से, नोटबंदी, गोशबंदी, फलाना बंदी, हर चीज बंदी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाते हैं, हर चीज करते हैं, खुलेआम कर रहे, चाहे गर्दन अलग हो जाए, फर्जी में किसी को जेल भेज देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, क्या है, जेल के अंदर 40% निर्दोष आदमी है, 60% दोषी है, क्या चीज है ये, है हर चीज हिंदू मुस्लिम है, लड़ाई और फलाना, 5 किलो गेहूं में जिंदगी थोड़ी कट जाएगी, समझ में। कांग्रेस ही आ रही है, कांग्रेस आएगा, कांग्रेस केंद्र में आएगी कि शिवराय बरेली में, कहीं भी आए मगर आएगा कांग्रेस, जो भी आए, हाँ कांग्रेस, कांग्रेस आएगा। इधर देखिए थोड़ा सा इधर बात कर लिया जाए, क्या जी मजदूरी करने आए यहाँ पे? जी भाई, जी। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो सब ठीक ठाक है, सब ठीक। कौन आ रहा है? फिलहाल कांग्रेस ही उम्मीद है, कांग्रेस ही उम्मीद है, क्या कह रहे हैं? माहौल बहुत तगड़ा है, कांग्रेस का माहौल, कांग्रेस का ही, कांग्रेस का ही माहौल तगड़ा है। ये देखिए तमाम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये मजदूरी करने के लिए आए हैं, और इन पे हमने तमाम मुद्दे के साथ बात की, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, या इनके जो 30 दिन काम मिलता है या नहीं मिलता है, क्या कह रहे हैं? सब कोई कांग्रेस को दो, कांग्रेस को दो, खुले आम कांग्रेस, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस, कांग्रेस जिंदाबाद। दुनिया देख रहा है, वोट तो देखे रायबरेली की, कहाँ जा रहे, वोट तो सब आदमी नेता देख रहा है, रोड तो भी देखिए कहाँ कहाँ का बिगड़ा हुआ है, नाली देखे पानी भर जाता है सबके घर में। हमें तो मेहनत वही करना चाहे जौन सी सरकार हो, मेहनत तो करके तभी रोड ही पाएंगे, सरकार तो अपने सीट पे बैठ जाएगा, मगर रोड तो रास्ता तो देखना चाहिए, देखिए रास्ता कितना खराब है, उस घुसियाना का रास्ता देखिए कितना खराब है, इस खाली साठ का रास्ता कोई देखने वाला है, रोड आ जाएंगे बैठ जाएंगे, हमें तो मेहनत मजदूरी वही करना, तब रोड जाएगा मुँह में, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो। तो क्या सोच रहे हैं मजदूर लोग इस बार, क्या सोच रहे हैं? हम तो जो सोच रहे हैं कि जय श्री राम, मोदी जी, जय मोदी जी, जय श्री राम, करना हमको वही है, पेट में रहे तो रोटी दे देते, बाहर हैं तो श्री राम रोटी दे रहे हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं, ये मजदूर क्लास है, ये मोदी जी कह रहे हैं। क्या माहौल है जी? माहौल तो बहुत गड़बड़ है साहब, बहुत खराब माहौल है, खराब माहौल है, कहाँ खराब माहौल है? खराब माहौल यह है कि मजदूर आते हैं, मजदूरी नहीं मिलती है, अच्छा, वो खड़े होते हैं फिर घर को वापस चले जाते हैं, घर को वापस चले जाते हैं जी, मतलब कि रोजगार नहीं है, बहुत कम रोजगार नहीं, क्या कर दे भाई, रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है भाई, कोई रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई रोजगार है, लेबर आदमी, लेबर मजदूर मजदूरी करने आते हैं, उसको मजदूरी मिलती है ना, कोई सुविधा उपलब्ध है न कोई सिस्टम है, परेशानी है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, क्या लगता है 400 पार हो जाएगा? 400 पार हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और रायबरेली में? रायबरेली में क्या होगा, क्या कांग्रेस या बीजेपी? अब उस तो जो होगा जो देखा जाएगा, देखा जाएगा जी। ये देखिए लोग कह रहे हैं देखा जाएगा, ये तमाम लोग मजदूर है, देखिए तमाम लोग यहाँ पर, 1 बीघा चना मटर बोया हुआ था, सारा निगल जानवर खा गए, 10 किलो भी मेरे वहाँ नहीं आया अनाज। उतरौला जिला बलरामपुर में मेरा खेती है, भाई को फोन करा, बता रहे भैया 10 किलो भी गेहूं हुआ नहीं आ रहा, मटर और चना नहीं आ रहा, ये सब हर चीज में जो है दिक्कत है। ये तमाम मुद्दे हैं यहाँ के मजदूरों के, कि यहाँ पर आते हैं 30 दिन में 10 दिन 15 दिन काम मिलता है, 30 दिन में से 15 दिन ये घर पर बैठे रहते हैं, और सोचने वाली बात है 400 की मजदूरी पे दिहाड़ी पर ये कैसे अपने घर का भरण पोषण चला पाते हैं।
तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और उसके साथ साथ महंगाई है और काफी लोगों को महंगाई नहीं भी है। तो मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भारत, लगातार हमारे साथ बने रहिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग रायबरेली से।